डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइबोसोम्स ने प्रोटीन की सिंथेसिस करी, उसके पास क्या था, सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है, एसआरपी का। एसआरपी और किसके साथ बाइंड किया, ए साइड ऑफ द राइबोसोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन पॉज हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो एसआरपी है उसने क्या किया, इस राइबोसोम्स को कहाँ पे अटैच करवा दिया, ट्रांसलोकोन के ऊपर। ट्रांसलोकोन एक चैनल है जिसके थ्रू प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा इन द ईआर लुमन। डन। तो जैसे ही राइबोसोम से विद द प्रोटीन बाइंड किया ट्रांसलोकोन के ऊपर, तो जो एसआरपी है वो किसके साथ बाइंड कर गया, एसआरपी रिसेप्टर के साथ। एसआरपी रिसेप्टर मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईआर के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे जो एसआरपी और जो एसआरपी रिसेप्टर है दोनों के पास क्या होता है, जीटीपी। जैसे ही जीटीपी और जीटीपी का आपस में बाइंड हुआ तो क्या होगी, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस। मीन्स की जैसे ही एसआरपी एंड द एसआरपी रिसेप्टर ने आपस में बाइंड किया तो क्या हुआ, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस, और एक दोनों के दोनों यहाँ से क्या हो गए, रिलीज। जैसे रिलीज हुआ ट्रांसलोकोन क्या हो गए, ओपन। अब ओपन होने के बाद जो प्रोटीन है वो कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ईआर लुमन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन एंटर करेगा, सिग्नल सीक्वेंस, देन बाकी प्रोटीन। तो अब जैसे ही राइबोसोम्स की जो एमआरएनए है उसके ऊपर क्या आया, स्टॉप कोडोन, तो कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको यहाँ से फ्री करवाने के लिए तीन फैक्टर आते हैं, वन इज द RF1, सेकेंड इज द RF2 एंड थर्ड इज द RF3। तो ये फैक्टर जैसे ही बाइंड करेंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करवाएंगे, राइबोसोम से फ्री, और जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहाँ पे आ चुकी है, ईआर के लुमन में। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इनसाइड लेने के लिए एक यहाँ पे प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम क्या होता है, बिप। बिप इज द चैपरॉन प्रोटीन जो प्रोटीन की क्या करवाता है, फोल्डिंग। तो जैसे प्रोटीन यहाँ पे आ चुका है, इसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस थी, लेकिन प्रोटीन आप सबको पता है किससे मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड के आपस में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ईआर का लुमन है इसके अंदर एक एंजाइम है, दैट इज द पेप्टिडेज एंजाइम। ये क्या करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सिग्नल सीक्वेंस को यहाँ से क्या करवा दे, रिलीज। और प्रोटीन कहाँ पे है, ईआर के लुमन में, ठीक है। अब इस ईआर के लुमन में जो प्रोटीन जो एंटर किया है, इस प्रोटीन के ऊपर कुछ चैपरॉन प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करेंगे। चैपरॉन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग की यदि हम बात करें तो आप सबको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द क्वार्टरनरी, फोर टाइप की प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, वहां पे तो प्रोटीन की क्या होती है, फोल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैलेक्सिन एंड द कैरेटिकुलिन नाम के कुछ प्रोटीन है जो मेनली क्या होते हैं, चैपरॉन प्रोटीन। इन्होंने प्रोटीन की क्या करवा दी, फोल्डिंग। और ये कौन सा प्रोसेस आता है अपना, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन इन द ईआर। डन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।